वह उत्तर प्रदेश के प्रभारी नियुक्त होने के बाद शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात में विधानसभा चुनाव की तैयारी, प्रत्याशी चयन, संगठन प्रभावशाली बनाने पर चर्चा हुई। जल्द ही संगठन में फेरबदल के संकेत भी मिले हैं। शिवपाल यादव वैसे तो सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई हैं। दूसरे तीसरे दिन दोनों की मुलाकात होती रहती है, मगर प्रदेश प्रभारी नियुक्त होने के दूसरे दिन विक्रमादित्य मार्ग आवास पर मुलायम से उनकी भेंट को सियासी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। सपा सूत्रों का कहना है कि इस मुलाकात में हारी सीटों पर घोषित 144 प्रत्याशियों में से 50 से 60 फीसदी के बदले जाने की चर्चा से संभावित नुकसान और कार्यकर्ताओं में असमंजस पर बातचीत हुई। सपा मुखिया ने जिताऊ की श्रेणी से बाहर प्रत्याशी बदलने का इशारा किया तो निष्ठावान प्रत्याशियों को पूरी ताकत देने की बात भी प्रभारी से कही। और मनीष पांडे जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से। मनीष, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो पहले से आशंका जताई जा रही थी कि हारे हुए सीट पर प्रत्याशी तो घोषित कर दिए गए हैं, लेकिन ये कितने प्रत्याशी बरकरार रहेंगे, ये असमंजस की स्थिति है और एक बार फिर से वही स्थिति देखने को मिल रही है। बिल्कुल विद्या, देखिए जिस तरीके से अभी हाल में जो इस समय राजनीतिक माहौल है, जो समाजवादी पार्टी की जो अंदरूनी तौर से जो खबरें आ रही हैं, उससे निश्चित रूप से साफ अंदाजा लगाया जा रहा है कि करीब जो अभी तक जो प्रत्याशियों की लगभग 144 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है, 144 प्रत्याशियों में लगभग 40 से 50% जो प्रत्याशी हैं उनके अभी टिकट बदले जाने संभावित हैं। हो सकता है इन टिकटों में हेरफेर हो, क्योंकि जो पार्टी है वो पार्टी चाहती है कि भले ही प्रत्याशियों का अभी चूंकि वक्त भी है, चुनाव में विधानसभा चुनाव में वक्त भी है, थोड़ा सी जल्दी की गई इसलिए की गई थी कि जो प्रत्याशी है वो अपने क्षेत्र में जाएं, अपना जनसंपर्क करें, वहां पर सपा की उपलब्धियों का प्रचार प्रसार करें, जिससे आने वाले वक्त में वो समाजवादी पार्टी के लिए वो वहां से सीट जीत सके। लेकिन पहले जो घोषणा की गई है उसके बाद तमाम विरोध भी हुए हैं, तमाम जो पार्टी के अंदरूनी स्तर से जो जानकारियां मिली हैं तो उसमें ये कयास लगाए जा रहे हैं कि काफी टिकट बदले जाएंगे। और फिलहाल जो मुलाकात की बात कर ले, अगर मुलाकात हुई तो मुलाकात में जाहिर सी बात है कि प्रभारी बनने के बाद पहली बार मुलाकात करने पहुंचे थे और निश्चित रूप से इन सारी चीजों पर चर्चा हुई है। दूसरी तरफ जो अभी जानकारी मिल पा रही है हमें कि जल्द ही इस पूरे मामले को लिए जो 144 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है उसको लेके पूरे सपा परिवार की एक बैठक हो सकती है, जिसमें जो जो तमाम समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे शिवपाल सिंह यादव हों या नेताजी मुलायम सिंह यादव हों या आजम खान साहब हों, तो तमाम बलराम यादव, अरविंद सिंह गोप, जो भी जो शीर्ष में है, जो लोग प्रत्याशियों के चयन और बाकी चीजों में अपनी जो अच्छी एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं, उन सबकी एक बैठक हो सकती है। उस बैठक के बाद जो करीब जो प्रत्याशी 144 प्रत्याशी हैं उसमें काफी प्रत्याशी बदले जा सकते हैं। जी